भेजने की तैयारी की जा रही है। झारखंड से बाढ़ पीड़ितों के लिए लिट्टी की सौगात आ रही है। जमशेदपुर से हर रोज 6,000 लिट्टियां भेजे जाने की तैयारी है। हमारी सहयोगी अन्य अमृता ने इसका जायजा लिया। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए ये लिट्टियां बनाई जा रही है। एक दिन में 6,000 लिट्टियां बनाई जा रही है और ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि हम और आप तो बड़े आराम से अपने घरों में या कहीं बाहर बैठकर खा रहे हैं, लेकिन सोचिए बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में क्या लोगों के हालात हैं। खाना नसीब नहीं हो रहा है, सब कुछ सामने दिख रहा है लेकिन पहुँच नहीं पा रहा है। ऐसे ही लोगों की मदद के लिए झारखंड से भी लोग सामने आए हैं और विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जागरण मंच से जुड़े लोगों की मदद से संजय जी इस पूरे अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां रोज़ाना 6,000 लिट्टियां तैयार की जा रही हैं सुनारी में और हर दिन ये लिट्टियां बिहार भेजी जाएंगी बाढ़ प्रभावित इलाकों में। ये सिलसिला चलता रहेगा। उनसे हम खुद बात करते हैं कि क्या योजना है और क्या भावना है इस पूरे कार्य के पीछे। संजय जी, ये बताइए कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में बहुत सारे लोग मदद भेज रहे हैं, लेकिन जो लिट्टी भेज रहे हैं इसके पीछे क्या आपकी भावना है और लिट्टी है क्यों? देखिए, एक्चुअल में क्या है कि बिहार में बाढ़ के कारण से वहाँ पर भोजन बनाने की व्यवस्था की भी दिक्कत हो गई है। दूसरी बात, मेरे मन के अंदर एक बात आया कि हम रहने वाले नॉर्थ बिहार से भी हैं, तो हमारे यहाँ का प्रचलन है कि लिट्टी ही सबसे आसान भोजन होता है जो तुरंत बन जाता है। तो झारखंड से बिहार के लिए सौगात जा रही है। आगे बढ़ते हैं। IIT ISM धनबाद को देश और दुनिया में एक